गाइस, कैसे हैं आप सब? हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आज के दिन सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली, भाई, गर्लफ्रेंड सबके साथ एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ सबने सोच ही रखा होगा, सरप्राइजेस क्या देना है, कहाँ जाना है, कैसे देना है। इसी के साथ मैंने भी कुछ आज सोच रखा था, क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा भी ना टाइम शॉर्टेज होने की वजह से ना मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो जितना भी टाइम मेरे को मिल पाया या मैंने सोचा कि क्या ले सकता हूँ, तो आज मैं मार्केट आया था एक गैलरी फोटोशॉप में, जो पुरानी फ़ोटोज़ मेमोरेबल जो मेरे पास हैं उनका क्या प्रोजेक्ट करूँ निशा के साथ में, क्योंकि कुछ गिफ्ट्स तो मैंने पहले से ले रखे हैं अपने लिए एंड कुछ पेंडिंग्स थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना ऑफिस से टाइम निकाल कर उनको भी पूरा कर लूँ। तो मैंने फ़ोटो का तो ऑर्डर दे दिया है अभी, बट दुकानदार वाले भैया ने बोला है कि अभी आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोटो निकलने में टाइम है अभी। तो देखते हैं फ़ोटो कैसा निकलता है एंड आपको भी, आपके संग भी शेयर ज़रूर करूँगा एंड आई होप आपको भी अच्छा लगे। एंड आज भी मैंने कुछ सोचा है, कहीं बाहर का प्लान भी करा है जाने का एंड घर में भी सेलिब्रेट करने का सोचा है फैमिली के साथ, निशा के साथ। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग ये, और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। टिल देन मिलता हूँ मैं आपसे। फाइनली शायद हो सकता है कि हमारी फ़ोटो निकल चुकी होगी, क्योंकि हमारे जो भैया हैं इन्होंने भी हमें कॉल करके बुलाया कि शायद तुम्हारी फ़ोटो आ गई है, तो चलो फ़ोटो देखने चलते हैं। और इनका नाम है मिस्टर उमा शंकर, ये हमारे साथ ही ऑफिस में काम करते हैं, वैसे ही मेनपुरी से लेकिन बहुत सालों से आगरा में रह रहे हैं और सपा के लिए भी काम करते हैं। तो जो सपा के सपोर्टर हैं वो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वोट ज़रूर दें। ठीक है, तो रही बात ये तो पॉलिटिक्स की, अब देखते हैं फ़ोटो अंदर निकली है कि नहीं निकली है, तो उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद हम आपको जरूर शेयर करेंगे कि फोटो कैसी निकली है। फाइनली फोटो भी हमें मिल चुकी है, अब देखते हैं फोटो का प्रिंट कैसा है एंड क्वालिटी कैसा है। ये वाली फ़ोटो मैंने सेलेक्ट करी थी और ये फ़ोटो निकली है, और इसको मैं आज फाइनली जो गिफ्ट मैंने सोचा है उसी के साथ मैं रिप्रेजेंट करूंगा निशा को। 5 minutes later लंच का टाइम हो गया है खत्म, अब चलते हैं ऑफिस का टाइम। हाँ, अब अपनी ड्यूटी में चलते हैं। ये तो हो गई मौज मस्ती, तुमने अपनी वाइफ से बात कर ली, मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं करी, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। तो मेरे पास फोन रहता है ना, तो बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास तो फोन रहता है। अब ये यहाँ के नहीं है ना, क्योंकि ये बाहर के हैं, तो इनको अपनी वाइफ से बात करनी पड़ जाती है 1 घंटे के लिए। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है जिसको अब उमा जी चलाएंगे, अब देखते हैं कि उमा जी को कैसा लगता है ये वाला बाइक की राइड। 8 hours later Hey guys, welcome। जैसे कि आपको पता है कि हम आज कहीं जा रहे थे, तो हम सब रेडी हैं निकलने के लिए, और दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। 1 eternity later रिंग रोड पर देखिए, रात में कितनी खूबसूरत बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चलने में यहाँ पर, और काफ़ी वाइड है और वेल मेंटेन ट्रैफिक है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। टर्न हो रहे हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का जो आप देख रहे हो ये आगरा में जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे NH2 जो दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है, उसका हम टर्न रोड है जा रहे हैं। ये देखिए, और अभी आगे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो लाइट्स आपको 3-4 लाइट्स दिख रही हैं येलो कलर की, वो सीधा लेफ्ट में टर्न होता है यमुना एक्सप्रेस वे। ये देखिए लेफ्ट साइड में ये यमुना एक्सप्रेस वे है,
और सामने आप देखिए नेशनल हाईवे जो सीधा कानपुर होता हुआ कलकत्ता पहुंच जाता है। 15 मिनट्स लेटर हम आ गए हैं जिस रेस्टोरेंट का नाम है पाम गैलेक्सी। बेसिकली ये पड़ता है NH2 हाईवे पे। सो मैं अपने फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूँगा, कभी भी आप आगरा आएँ तो इस वाले रेस्टोरेंट पे ज़रूर। चलो हम चलते हैं अंदर। सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है क्योंकि यार पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं कहाँ कहाँ नहीं जाते। फोटो खिंचानी है कि अंदर जाना है? वेलकम टू पाम गैलेक्सी। ए फ्यू मिनट्स लेटर थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको अंदर का। ए फ्यू मिनट्स लेटर हमारा मेन्यू कार्ड डिसाइड कर रहे हैं हम क्या लेना है। उससे पहले सबसे मम्मी का हम लोग करते हैं डोसा या कुछ नॉर्मल, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है ना ऑयली खाने के लिए, तो कुछ सिंपल मम्मी के लिए ऑर्डर करते हैं। और पनीर टिक्का देख लेना। पापा का आपको क्या खाना है? आपको मेनू देखते हैं मेनू में क्या क्या है बोलना तो चाहिए। पहले काम करते हैं मम्मी के लिए देख लेते हैं फिर पापा के लिए फिर अपन डिसाइड कर लेते हैं। पनीर बटर मसाला स्टफ कैप्सिकम एक स्टफ कैप्सिकम कर लेकिन वो आगे पीछे लाएगा है ना। चलिए ठंडा साथ में नहीं था ठंडा। 15 मिनट्स लेटर वैसे यार एक बात तो है यार, जब प्लेट्स लग जाती है ना तो भूख बहुत ही बढ़ जाती है। क्यों मम्मी है ना? हाँ पापा हाँ नहीं भूख तो बढ़ जाती है, मेरी भूख कम हो जाती है क्योंकि इनकी भूख बढ़ती है मेरा बिल बढ़ता है। बिल बढ़ता है। 5 मिनट्स लेटर ये किट्टू का स्ट्रॉबेरी शेक आते हुए जिसके लिए बेचारी तेज से वेट कर रही थी। और खुशी देखो खुशी देखो। अच्छा लगा स्ट्रॉबेरी शेक? बहुत अच्छा लगा। मम्मी आपका डोसा आ गया। ये बड्डी है हमारी फेवरेट है, हमारी सेवा करते हैं। कभी आप लोग जब आए ना इस रेस्टोरेंट में भैया से जरूर मिलेगा, प्यार से खाना खिलाएंगे आपको। बताओ मम्मी डोसा कैसा लगा? आज आप डोसा खा रही हो, नहीं तो हमेशा तो आप वही रोटी दाल खाती हो। अच्छा लगा? आप तो कह रहे थे कि मेरा बिल बढ़ता है, आप डोसा खा रहे हो पापा? इतने में बिल बढ़ता है। A few minutes later. क्या हो गया? दिखाओ। वो हो सकता है अभी बैठे बैठे भी हो गया ना, तेज कार में हम लोग बैठ के आए हैं हाईवे में, फिर कोई नहीं हो जाएगा सही। हाँ देखा अच्छा लगा फिर? वैसे तो हम लोग आते रहते हैं, फोर्थ डेजर्ट है ना ये, इसका फोर्थ डेजर्ट है, इससे पहले ये कहीं आई नहीं है। लास्ट है क्योंकि अब आगे जब कभी भी आना होगा ना तो हम दो नहीं होंगे, हम तीन होंगे। अभी वैसे भी डॉक्टर ने मना भी किया था, हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं हमारा A few minutes later. यार वैसे गट्टू एक चीज हमने नोटिस करी है, जब हम आते हैं तो ये रेस्टोरेंट पूरा खाली रहता है और जैसे ही हम लोगों को बैठने का टाइम नहीं होता ये रेस्टोरेंट हमेशा बढ़ जाता है। और ये हमेशा का है जब हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे भी आए थे यहाँ पे, फिर दीदी के साथ भी आए थे जब उसके दुबई जाने से पहले, और फिर जब हम आ जाए हमेशा खाली मिलता है, उसका हमेशा बढ़ जाता है। और क्योंकि इस रेस्टोरेंट की खासियत और है कि इस रेस्टोरेंट के पीछे इनका होटल भी है, जिससे कि आप अपना कोई भी पार्टी फंक्शन या मैरिज करना चाहें। हाँ उस शादी भी हो रही थी तो शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा रश था, तो बच्चों ने बहुत आतंक मचा दिया था। तो कभी भी आपको आना हो ना तो आप इस रेस्टोरेंट के साथ साथ अपना रूम भी बुक कर सकते हैं किसी इवेंट के लिए और किसी शादी के लिए भी। और जो हमारा चॉइस है हम लोग को सबसे अच्छा लगता है रेस्टोरेंट, इसलिए हम कि दूर से हमेशा आते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम खाना भी अच्छा है। हाँ और खाना भी बहुत अच्छा है, खाना टेस्टी है, आप लोगों को बहुत पसंद आया। और ये हमारी मम्मी को खाना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर ने भी मना करा ऑयली खाने के लिए, तो आज हम लोगों ने उनके लिए डोसा मंगाया है।
मम्मी डोसा अच्छा लगा ना आपको? प्लेन डोसा। ए फ्यू मिनट्स लेटर। यार मम्मी का तो खाना गया, वो खाना खा रहे हैं क्या? तो स्ट्रॉबेरी छेद दिया क्या? खाली प्लेट है क्योंकि खाली है और खाना खाली है और खाना नहीं, और खाना खाने से भरता है खाली से नहीं। हाँ उस टाइम स्वेलिंग ज्यादा थी क्योंकि बीपी बड़ा हुआ था ना, बीपी कम है तो स्वेलिंग भी कम होती जा रही है। और हमारा दूसरा आइटम भी आ गया, पनीर टिक्का। थोड़ा सा हमने भी पनीर टिक्का ले लिया, इससे हमारा था ये आइटम। थोड़ा सा हमने यहाँ भूख बहुत लग रही थी यार। मेरी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, देखो कैसे उछाल मार रही है, तड़प रही है मेरे पास आने के लिए। A few minutes later. पनीर टिक्का के बाद अब हमारा आ गया पनीर बटर मसाला और स्टफ कैप्सिकम। ये यहाँ की सबसे स्पेशल है और बहुत टेस्टी लगती है। और तंदूरी रोटी विद बटर, विनेगर ओनियन। हाँ विनेगर ओनियन, जो उसके बिना खाना बिल्कुल अधूरा है। इसके बिना One hour later. खाना तो खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं अपना बिल पेमेंट करने। ये भिंडी है, ये अतुल है। अतुल जरा दिखाएगा अपना फेस, ये अतुल है। जब भी आप आए भैया से रूम मिले, और सर्विंग के लिए भैया सर, भैया प्यार से बहुत खाना खिलाते हैं यहाँ पे। ये पूरा इंटीरियर है यहाँ का, वेटिंग लॉन्च। और ये वाला है हमारा ओपन ग्राउंड, ओपन बैंक्वेट हॉल है ये वाला। यहाँ पे अपना शादी और पार्टीज के लिए आप अपना कुछ भी बुक कर सकते हैं, जब भी आपको अपने यहाँ पे आना हो। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे प्लेग्राउंड्स हैं, प्ले टॉयज वगैरह सब कुछ है। और ये है इनका होटल, यहाँ पर रूम स्टे करने के लिए आप कोई भी आना चाहे अपना रूम बुक करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे घर की दो मैडम बैठी हुई हैं, बड़ी मैडम और छोटी मैडम। ये इनकी शाही सवारी है दोनों की। अच्छा लग रहा है, कहाँ चलना है? घर। मजा आ गया, आप लोग भी कभी आकर आइए पाम गैलेक्सी में, एक बार डिनर कीजिए, लंच कीजिए। हाईवे के पास जो है बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। और हम लोग हमेशा यही आते हैं। थैंक यू। जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन एक पब या किसी कपल के संग मनाया जाए, फैमिली के संग भी मना सकते हैं। एंजॉयमेंट फैमिली के साथ ही होता है। हाँ तो हम भी यही चाहते हैं कि कब
खाना हो गया, बिलिंग हो गई, बस अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। हाँ, मेरा थोड़ा सा आइसक्रीम खाने का भी मन कर रहा है रास्ते में, तो सब बैठगी तो हम वहाँ से लेंगे आइसक्रीम। मम्मी बाबा पीछे आ रहे हैं। थोड़ा सा ये देख लो आप, ये कितना बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये तीनों। ये आज इसमें पानी नहीं, भैया। वापस आ गए अब हम लोग, खाना भी खा लिया, लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, एंजॉयमेंट भी हो गया, एंड सबकी बैंड भी बज गई। देखो सबकी शक्लें देखो, थके हुए हो गए सब। सब हम चेंज करने जा रहे हैं और यही था हमारा वैलेंटाइंस डे, ऐसे बनाया। और इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर आपको दिखाती वो पूरा डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा आपको, तभी अच्छा लगेगा, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। आई होप आपको आज आपको हमारा ये व्लॉग आज का पसंद आया हो। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी बाय बाय बोल रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।